we have discussed regarding the evolution, right? What do you mean by evolution? This is change in the gene. Then to learn evolution, the study of evolution is called as a phylogenetics. And how phylogenetics is studied, so like there are two kind of learning, the phylogeny, that is through fossils or through the molecular data. These are called as a fossils, which have many biasness, many imperfection. To overcome this, we should use the molecular data to learn the evolutionary relationship. Simply, in learning evolutionary relationship, we need to isolate the gene or protein. We need to sequence it. After sequencing, comparison should be done, and on the basis of those comparisons, based on the similarity, we can identify the organisms. Okay. Now, if you are using molecular data, there are certain major assumptions which are involved, that they should have a common ancestor, they should have the independent evolution, and they should have the phylogenetic divergence. Okay. Now, ये हो गया फर्स्ट वीडियो के बाद. अभी आज हम इन सेकेंड वीडियो वी विल लर्न द फ्यू टर्मिनोलॉजी विच इज़ यूज्ड इन दिस फाइलोजेनेटिक एनालिसिस. फाइलोजेनेटिक एनालिसिस जो है वो हमेशा इस ट्री के फॉर्म में लर्न होता है. ठीक है, तो कुछ टर्म हैं जो हमें सीखने हैं. दिस ट्री रिप्रेजेंट द इवोल्यूशनरी पैटर्न ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो इस ट्री में ये जो सबसे एंड पे होता है, ये जो नाम लिखे हुए हैं, दिस रिप्रेजेंट्स द प्रेजेंट डे माइक्रो ऑर्गेनिज्म. आज के सिचुएशन में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे है, सॉरी नॉट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रेजेंट डे लाइव स्पीशीज, तो उसको कहा जाता है टैक्सा. ठीक है, ट्री के सबसे एंड पे जो भी ऑर्गेनिजम्स के नाम लिखे होंगे, दे आर कॉल्ड एज अ टैक्सा. ठीक है, फिर ये जो भी ट्री है इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, वो वहां यहां से स्टार्ट हुए हैं, फ्रॉम दिस पोजिशन. तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फाइलोजेनेटिक ट्री ब्रांचिंग इज कॉल्ड एज अ रूट. ठीक है, फिर इसमें से यहां पे दो ब्रांच बनी, फिर ये एक में से वापस दो ब्रांच बनी, यहाँ एक में से दो, फिर दो दो, ऐसे ये जो चेंजेस हो रहा है, वो जो डाइवर्ज हो रहे हैं, और उसको कहा जाता है ब्रांच. ठीक है, दे आर कॉल्ड एज अ ब्रांच. फिर ब्रांच बनने के बाद एक जगह से अगर वापस ब्रांच स्प्लिट होती है, तो उसको कहा जाता है नोड. ठीक है, फोर टर्म्स जो हमने लर्न की है, वो फर्स्ट है टैक्सा. टैक्सा मीन्स प्रेजेंट डे क्लासिफिकेशन में जो इंडिविजुअल एंड पे होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ टैक्सा. फिर जहां से ब्रांचिंग चालू होती है, दे आर कॉल्ड एज अ रूट. ब्रांचिंग चालू होने के बाद कोई एक जगह से वापस ब्रांचिंग स्प्लिट होती है, तो उसको नोड कहा जाता है. यानी जो लाइनिंग्स है, दे आर कॉल्ड एज अ ब्रांच. तो दिस आर द फ्यू टर्म्स. द लाइन्स आर कॉल्ड एज अ ब्रांच. द टिप, द लाइन्स आर कॉल्ड एज अ ब्रांच. The tip of branch, the tip of branch is called as a taxa, or it is called as a operational taxonomic unit. ठीक है, जहां से वो start होता है, that is called as a root nodule, right? जहां से वो branch वापस join होती है या split होती है, उसको कहा जाता है node. These are the terms. It can be asked in definitions. अगर आपका MCQ based exam होगा, तो उसमें वो different MCQ के लिए these are the ideal questions. Okay? तो these are the terminology. एक और terminology use होती है phylogenetic tree में, that is monophyletic group and paraphyletic group. Monophyletic group का मतलब ये होता है the group of taxa. देख, जैसे कि यहाँ पे देखो, ये DE है, GH है, ये ग्रुप ऑफ टैक्सा है. दे हैव द सिंगल कॉमन एंसेस्टर. उनके अगर सिंगल कॉमन एंसेस्टर, दैट इज बी, अगर है, तो ऐसी ब्रांचिंग को क्लैड या फिर मोनोफाइलेक्टिक ग्रुप कहा जाता है. आई रिपीट, कॉमन एंसेस्टर को लेके अगर वो स्प्लिट हो रहे हो, तो दिस डी ई जी एच, ये सब जो है, दिस आर द सिस्टर टैक्सा, और ऐसे डाइवर्जन को कहा जाता है मोनोफाइलेक्टिक ग्रुप या फिर क्लैड. ठीक है, ये ब्रांचिंग ट्री है, तो उस ट्री की ब्रांचिंग पैटर्न के हिसाब से ये टाइप है. दूसरा है पैराफाइलेक्टिक. पैराफाइलेक्टिक में
कोई ऐसे मल्टीपल नहीं है। देखो जैसे कि यहाँ पे जे एन के, ठीक है ना, वो एक ही है, लेकिन अगर आप देखोगे तो वो ए से ही स्टार्ट हुए है, तो ऐसा कोई मल्टीपल ब्रांचिंग नहीं हुआ। लेकिन यहाँ से दिस इज कॉल्ड एज अ पैराफाइलेक्टिक, दे डज नॉट इंक्लूड ऑल द डिस्टेंडेंट, राइट। एंड जो नजदीक में है जे एन के, एक दूसरे के एकदम नजदीक है, तो दिस ग्रुप आर कॉल्ड एज अ पैराफाइलेक्टिक। जबकि यहां पे हमने क्या किया, डी ई जी एच, और उसके पहले क्या आता है एफ सी, और उसके पहले क्या आता है बी, तो सबको कंसीडर कर लिया, बहुत मल्टीपल ब्रांचिंग है, दैट इज कॉल्ड एज अ मोनोफाइलेक्टिक ग्रुप एंड दिस इज कॉल्ड एज अ पैराफाइलेक्टिक ग्रुप। टर्मिनोलॉजी में एक और चीज है अनरूटेड ट्री। अनरूटेड ट्री में क्या होता है कि कभी कभी कॉमन एंसेस्टर है ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, बट एग्जैक्टली वो एंसेस्टर कहाँ पे कौन सी पोजीशन पे है वो पता नहीं चलता है। दिस आर द डिसएडवांटेज ऑफ दिस यूजिंग दिस मोलिकुलर फॉसिल्स, कभी कभी नहीं पता चलता है, मेजोरिटी ऑफ द केस में रूट जो है वो आइडेंटिफाई हो जाता है, लेकिन जब कुछ कुछ केस में रूट आइडेंटिफाई नहीं हो जाता है, और ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ऐसी ब्रांचिंग क्रिएट होती है, दैट इज कॉल्ड एज अनरूटेड ट्री। दूसरा एक है दैट इज रूटेड ट्री। रूटेड ट्री में हमको पता है कि दिस इज द रूट ऑफ अ ट्री, उसमें से सबसे पहले ए बना, फिर इवोल्यूशन होके बी बना, फिर इवोल्यूशन होके सी बना एंड डी बना, तो उसका ओरिजिन हमको पता है, तो दिस काइंड ऑफ ट्रीज आर कॉल्ड एज अ रूटेड ट्री। लास्ट टर्मिनोलॉजी है दैट इज मोलिकुलर क्लॉक। सो इट कैन बी आस्क इन डेफिनेशन, द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन। According to this definition, it is a molecular clock is an assumption by which molecular sequence evolve at constant rate so that the amount of accumulated mutation is proportional to evolutionary time. Based on this hypothesis, branch length on the tree can be used to estimate the divergent time. इसका मतलब ये है कि हमको पता है कि mutation कितने rate से होता है। Mutation means what? The change in the nucleotide sequence. ठीक है, तो जो अजम्पशन लगाते हैं कि भाई आज से 1000 साल पहले या फिर 10,000 साल पहले मंकी इज कन्वर्टेड और इवोल्व इनटू ह्यूमन, द फर्स्ट ह्यूमन वेयर क्रिएटेड, तो वो जो 10,000 साल है वो कैसे पता चलता है? सो दैट इज बेस्ड ऑन द रेट ऑफ म्यूटेशन, कितना म्यूटेशन हुआ होगा उस हिसाब से मोलिकुलर क्लॉक जो है वो जनरेट होता है। ओके, दिस इज द लास्ट टर्मिनोलॉजी विच इज यूज्ड इन दिस फाइलोजेनेटिक। फर्स्ट इज, आई विल रिवाइज इट अगेन, फर्स्ट इज टैक्सा, जो प्रेजेंट कंडीशन में इंडिविजुअल होते हैं वो। सेकेंड इज ब्रांचिंग। ब्रांचिंग मीन्स वो ग्रुप कितने एक दूसरे के अंदर बाइफ्रुक्ट हो रहे हैं उसको ब्रांचिंग कहा जाता है। जब वो एक जगह से स्प्लिट होते हैं तो उसको नोड कहा जाता है, एंड जहाँ से स्टार्ट होते हैं उसको जो है वो रूट कहा जाता है। ओके, दिज आर द फ्यू टर्म्स, रूटेड ट्री, अनरूटेड ट्री, मोनोफाइलेक्टिक, पैराफाइलेक्टिक।